फिर गूंज उठी मन की वीणा, फिर लहराया कोई गीत, फिर एक इबादत का किस्सा, फिर बजने लगा भक्ति संगीत। भक्ति संगीत। जब इस भक्ति संगीत में सद्गुरु की कृपा और प्रार्थना शामिल हो जाती है ना, तो जिंदगी में बजने लगती है रूहानी सरगम और दिल पुकार कर कह उठता है। प्रभु से सबके भले की प्रार्थना करने वाली बेहद सुरीली आवाज की रानी, परम आदरणीय रानी खन्ना जी के गाए भक्ति गीत निरंकारी मिशन की हर धड़कन पर गूंजे हैं, हर भक्ति की प्रार्थना की जुबान बने हैं। हमारा सौभाग्य है कि रानी जी आज हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। अब जिन्हें बचपन से गीतों में सुना हो, महसूस किया हो, उन्हें अपने सामने पाना यकीनन खुशी की इंतहा है। और जाहिर सी बात है कि ये सद्गुरु की कृपा ही है। रानी जी, आपकी जिंदगी में सद्गुरु की कृपा कब और किस रूप में हुई? सद्गुरु की कृपा की शुरुआत तो कुसुम जी मेरी बचपन से ही हुई, क्योंकि मैंने निरंकारी फैमिली में ही जन्म लिया। अच्छा। तो लेकिन उस वक्त बहुत छोटे थे, तो समागम पे ही आते थे हम, बड़े समागम पे ही, तो बच्चे थे तब तो कोई समझ नहीं थी जी। तो अमृतसर में आपके परिवार में कौन कौन थे? परिवार में फादर तो ब्रह्मलीन हो गए थे, छोटी सी उम्र में ही मैं भी थी। तो बाकी हम चार बहनें और दो भाई थे, मम्मी थे, और मेरे मम्मी और भाई ये निरंकारी मिशन के साथ बहुत जुड़े हुए थे। अच्छा। तो पर हम ऐसे संगत में ही जाते थे, संगत से सीधा घर वापस आ जाते थे, तब इतनी समझ भी नहीं होती थी। लेकिन असली सफ़र तो मेरा निरंकारी कॉलोनी में 79 में मैं आई, तब मेरा जिंदगी का ये सफ़र शुरू हुआ जी। तो दिल्ली के करोल बाग में आप शादी होके अमृतसर से आई? हाँ जी। और फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ पे तो 4 साल ही रही, फिर उसके बाद मेरे को बाबा गुरबचन सिंह जी ही मेरे को निरंकारी कॉलोनी में लेके आए 79 की 5 दिसंबर को। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये सेवा का जो जज्बा है या सत्संग का जज्बा है, ये सारा बाबा गुरबचन सिंह जी देखते तो थे जब मैं अहमदाबाद में थी। अच्छा, अहमदाबाद कैसे जाना हुआ? अहमदाबाद में खन्ना साहब की जॉब थी, तो मैं वहाँ 12 साल तो मैं अहमदाबाद में रही हूँ। अच्छा। तो 12 साल में भी संगत में आते थे जाते थे, पर मैं बहुत दूर रहती थी। तो बाबा जी को ऐसे लगता था कि इसको संगतों का सेवा का शौक तो बड़ा है, पर ये कर नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि बहुत दूर थी मैं, 2 ट्रेन बदल के हम जाते थे, 2 ट्रेन बदल के हम आते थे, 3 घंटे आने जाने में लगते थे और 1.5 घंटे की हम संगत करते थे। क्या बात है। तो बाबा जी ने ऐसे जैसे मन में ऐसा ही सोच लिया कि इसको यहाँ नहीं रहने देना। तो बाबा गुरबचन सिंह जी? हाँ जी, हाँ जी, बाबा गुरबचन सिंह, उनको मालूम था आपके सत्संग की सेवा की लगन के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, बस। तो वो कैसे मेरे को लेके आए, ये तो एक बड़ी लंबी कहानी है। तो बस मेरे को फिर जब वो कॉलोनी में लेके आए हैं, तो मेरे को उन्होंने बोला कि अब मैं तेरे को यहाँ लेके आया, और तूने अब खूब सेवा भी करनी है और खूब संगते भी करनी है। मेरे कॉलोनी में आने के 3-3.5 महीने बाद तो बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए। तो उसके बाद बाबा जी की हर बात को पूरा किया तो राजमाता जी ने जी, क्योंकि बाबा जी ने मेरे को अहमदाबाद में बड़े वरदान दिए थे। तो इस बात को पूरा करने में अगर योगदान रहा है तो निरंकारी राजमाता जी का है, ये तो सबको पता ही है निसंदेह। तो सही मायने में जब आप सद्गुरु के चरणों से जुड़े निरंकारी कॉलोनी में आकर, तो वहाँ से भक्ति की शुरुआत हुई, वहाँ से जिंदगी की और आनंद की शुरुआत हुई। बिल्कुल बिल्कुल। सब खुशियाँ देता दाता निराला एक है, जो सब खुशियाँ देता, जो हम इसका शुक्र मनाए, खुशियाँ धुनी बढ़ती जाए, खुशी बांटने वाला एक।
खुश देने वाला एक है जो सब खुशियाँ देता। खुश देने वाला एक है जो सब खुशियाँ देता। जिसने ये जन्म दिया है हर कारज रास किया है। तो गीतों की शुरुआत कब हुई रानी जी? गीतों की शुरुआत तो मेरी ऐसे हुई, ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है लेकिन मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। ज़रूर। कि मैं अहमदाबाद में जब गई तो मैंने गीत नहीं गाए। दो साल मैं हर संगत अटेंड करती थी पर मैं गीत नहीं बोलती थी। अच्छा, नाम आता था? नाम मेरे को से पूछने आए अच्छा। कि आप स्पीच करोगे कि गीत बोलोगे? मैंने बोला जी मैं दोनों ही नहीं करती हूँ। अच्छा, फिर? एक बार बाबू महादेव सिंह जी हमारे घर पे आए तो बाऊ गीतकार जी ये साथ में थे जी उस टूर पे। तो ऐसे जैसे बाहर तक हम जैसे छोड़ने जाते हैं, खाना खाने के बाद बाऊ जी ने जाना था तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि चलो आपको भी ले चलते हैं। तो हम उनके साथ चल पड़े। बस ऐसे उनके कहने से ही? हाँ। और चल पड़े घर छोड़कर? चल पड़े जी बिल्कुल। जैसे प्रसाद उन्होंने परवान किया तो घर में भी जैसे एक ही कमरा था, किचन भी अंदर ही थी। अच्छा। हाँ, तो बस खाना खिलाने के बाद और घर का पूरा जो था वो सारा हमने पड़ोसियों के हवाले करके हम निकल गए। मैं रास्ते में ऐसे गुनगुना रही थी तो बाऊ गीतकार जी ने बोला, कहते हैं रानी बहन जी आप गीत तो बोल लेते हो तो आप बोलते क्यों नहीं हो? मैंने बोला बाऊ जी मैं नहीं गीत बोलती हूँ, मैंने तो दो साल हो गए मेरे को आए हुए, मैंने गीत नहीं बोला। तो बोलते नहीं, आज तो किसी के घर पे संगत है, आप वहाँ पे बोलोगे तो मैं आपको टाइम दिलाऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने टाइम दिलाया तो पहला जो गीत था मेरा उस वक्त वो राजमाता गुरु बचन के नगमे गाए कुल संसार, ये रहमत हो रही है के रहमत हो रही है। बहुत खूब। तो यहाँ से शुरुआत हुई, ये मेरे गीत की शुरुआत का गीत था उस वक्त का। तो चलिए चलिए सुन लेते हैं आपका एक बहुत प्यारा सा गीत। सतगुरु दे दर को सबनु मिलन दुआ, सतगुरु दे दर को सबनु मिलन दुआ, जो एदे लड़ लग जान दे, जो एदे लड़ लग जान दे, सब हुंदियां दूर बना, सबनु मिलन दुआवां, सतगुरु दे दर को सबनु मिलन रानी जी।
आपके गीतों की रिकॉर्डिंग कब शुरू हुई? गीतों की रिकॉर्डिंग तो मेरी 93 के बाद, 93 में तो मैं माता जी के साथ गई थी फॉरेन टूर पे। अच्छा। तो दो ढाई महीने का वो टूर था, तो वहाँ तो माता जी ने बहुत गीत सुने। फिर यहाँ आके उन्होंने प्रचार विभाग में, उस वक्त शायद हमारे भाई साहब अजायब सिंह जी होते थे, तो उनको बुला के बोला कि इसकी कैसेट बनानी है। और मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं मेरी कैसेट कोई सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे, तो बहुत डर सा लगा हुआ था। और तब थोड़ी तसल्ली हुई जब मोहनी बहन जी ने भेजा किसी महापुरुष को कि नई कैसेट लेके आओ, तो राजमाता जी ने बोला कि इसकी भी कैसेट नमी बनी है, रानी की भी, वो भी लेके आना। तो जब वो महापुरुष वापस आए तो बोलते हैं जी रानी बहन जी की तो कैसेट मिली नहीं क्योंकि वो ख़त्म हो गई हैं। फिर थोड़ी राहत भी मिली, फिर साथ में डर भी कि शायद इन्होंने बनाई थोड़ी होंगी इसलिए ख़त्म हो गई हैं। वो कौन सी कैसेट थी, नाम क्या था? नाम पहली कैसेट थी प्रभु चैन की बजा दो बंसी। अच्छा, जिसका गीत अभी हमने शुरू में सुना है ना? हाँ जी। बहुत प्यारा गीत है, सच कहूँ तो ये निरंकारी जगत के घर घर में सुना गया। एक बार फिर से सुनते हैं वही गीत। रानी जी, आपने कौन से गीतकार के गीत ज्यादा गाए? मैंने अपनी लाइफ में ज्यादा गीत जो हैं बाबू गीतकार जी के गाए। अच्छा। हाँ जी। राजमाता जी को कौन सा गीत ज्यादा पसंद आता था जो आपसे कह के वो गवाती थी? हाँ जी, वैसे जितनी कैसेट्स की सिलेक्शन थी वो सारी राजमाता जी की ही होती थी, लेकिन लाइव जब वो सुनते थे तो उसमें माता जी को एक वो गीत बहुत पसंद था, घरों में भी लेके जाते थे तो मेरे को इशारा करते थे वही गीत बोलना, एक जो भक्ति से भरा जीवन जी, वो उनको बहुत पसंद था। और दूसरा एक मेरे मन नीवा होके रह। क्या बात है। और भी काफी ऐसे गीत थे, अब तो मुझे इतना याद भी नहीं है जी। और आपको कौन सा गीत राजमाता जी के लिए गाना अच्छा लगता था? मुझे राजमाता जी के लिए गाना जो अच्छा लगता था, अंथक जी का गीत, निरंकारी जगदी प्यारी राजमाता है। निरंकारी जगदी प्यारी राज माता ए दे कोल विश्व देही बच्चियां दा खाता ए निरंकारी जगदी। खाता है निरंकारी जगदी
जी, आपने सेवा दल में वर्दी पहनकर भी सेवा की है ना? हाँ जी, सेवा दल की वर्दी तो मैंने पहनी थी 27 अप्रैल को। अच्छा, 27 अप्रैल को? हाँ जी, 27 अप्रैल 1980 को, उस दिन मेरा पहला दिन था वर्दी का। तो मैंने वर्दी कॉलोनी में आने के बाद ही मैंने वो वर्दी पहनी थी। वाह, हमने आपको राजमाता जी की सेवाओं में समर्पित देखा है, तो किस तरह से घर परिवार की सेवाएं निभाते हुए, बच्चों को संभालते हुए आप इस तरह सेवाएं कर पाए और अपनी भक्ति को निभा पाए? ये तो अगर मैं सच बोलूं, असलियत बोलूं, तो ये तो नंकार ही कराने वाला था। हाँ, ये था कि मेरे इन लॉज बहुत अच्छे, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छे थे। वो तो खुद मेरे को भेजते थे कि तेरा टाइम हो गया, तू राजमाता जी के पास जा, घर की फिक्र ना कर, मैं संभाल लूंगी। उनका बहुत योगदान रहा मेरी सेवाओं में, और वो खुद भी मेरे साथ लंगर की सेवा में भी जाते थे, वहाँ पे फुलके बनाने की सेवा भी करते थे। तो बहुत योगदान तो मेरे ससुराल वालों का रहा, और दूसरा कराने वाला ये खुद था, इसने खुद ही सेवा कराई अब ये सारे, और बहुत अच्छी तरह इसने मेरी गृहस्थी भी निभाई, बहुत अच्छी तरह, जिसको मैं कह सकती हूँ। जब आपने खुद को समर्पित किया सदगुरु की सेवाओं में, तो होता क्या है कि परिवार भी फिर सपोर्ट करने लग जाता है। हाँ जी, और इस तरह से आप सेवा निभा पाए। संगीत की कोई तालीम ली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ली, बिल्कुल एक दिन भी कभी रियाज नहीं किया। बल्कि स्वर्णात्मा जी और अरुण स्वामी जी ने मेरे को बहुत कहा, पर एक दिन भी मैंने रियाज नहीं की। तो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत आवाज का राज क्या है? ये तो सच कहती हूँ कुसुम जी, ये तो नंकार ने ही जो किया किया, और ये बाबा गुरबचन सिंह जी के बहुत वरदान थे, और उनको पूरा करने में फॉरेन टूरों पे जैसे वो बाबा हरदेव सिंह जी ने पूरे किए। तो घर परिवार में किसी का संगीत से लगाव रहा? मेरे मदर, अच्छा, वो तो पूरे कवित्री थे, वो लिखते भी थे और गाते भी थे। क्या बात है, कोई उनकी लिखी हुई रचना? एक मुझे एक लाइन याद है, पुराना गीत था, बाहर पौ लिया काफी जे घर आओ ते चंगा है। अच्छा, बस एक ही लाइन मुझे याद है, तो वो गायक थे घर में। अच्छा, तो ये विरासत में उन्हीं से मिली सौगात? हाँ, मम्मी जी थे, और फिर निरंकार सदगुरु की मेहर से गीतों में असर आया है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो लो मेरा कर दे बाबा जी शुक्र गुजार, लो लो मेरा कर दे बाबा
शुक्र गुजार लूलू मेरा कर दे माता जी शुक्र गुजार लूलू मेरा रानी जी, आपने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहमतों की छाया में बहुत सारे रूहानियत से भरे पल गुजारे हैं, कोई उनसे जुड़ी याद? बाबा जी के तो मुझे बहुत रहमतें मिली। हाँ, 5 के 4 मैंने फॉरेन टूर किए, जिसमें से 2 में बाबा जी और राजमाता जी के थे और 2 के 3 थे अकेले राजमाता जी के साथ। रानी जी, आपने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी, माता सविंदर जी के सानिध्य में बहुत सारे प्यारे प्यारे पल बिताए हैं, तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और राजमाता जी का जो एक खूबसूरत रिश्ता था, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, बाबा जी और माता जी का जो रिश्ता था, माँ बेटे का रिश्ता तो था ही, लेकिन राजमाता जी ने कभी भी उस रिश्ते को आगे नहीं आने दिया। जब भी पता लगता था बाबा जी आ रहे हैं तो माता जी ऐसे अलर्ट हो जाते थे, सिर पे चुन्नी पूरी और ऐसे बिस्तरा साफ करने लग जाते थे, बाबा जी यहाँ बैठेंगे, ऐसे चाह चढ़ जाता था कि बाबा जी आ रहे हैं। और मेरे को एक किस्सा याद आता है कि जब माता जी शरीर करके थोड़े अस्वस्थ थे तो बाबा जी आते थे कमरे में, तो ऐसे बाबा जी चादर हटा के राजमाता जी का चरण उठा के तो पैर को ऐसे सहलाने लगते थे, वो तो सहलाते थे काफ़ी देर तक, ऐसे पैर को सहलाते रहते थे। अब मुझे नहीं इस बात का पता था कि बाबा जी तो बहाने से माता जी के चरण छू रहे हैं, क्योंकि राजमाता जी चरण छूने ही नहीं देते थे। ये बात बाबा जी ने अपने विचारों में जब कही तो मुझे समझ आई कि मैं क्या सोचती थी और बाबा जी का क्या ध्यान होता था। तो ये माँ बेटे का रिश्ता तो मुझे नहीं पता। हाँ, जब बाबा जी की एक बार ऊपर से ट्रंक उतारा जो यादविंद्रा स्कूल का था, बाबा जी की बुक्स और बाबा जी के कपड़े, तो उसमें से चिट्ठियाँ भी निकली, जो चिट्ठियाँ माता जी बाबा जी को लिखते थे, उसमें जब आखिर में ये लिखा होता था। क्या लिखा होता था? आपकी चरण धूल। ये रिश्ता तो कमाल का रिश्ता था इनका। सच में कितना दिव्य और रूहानी रिश्ता था। और हर कदम पे माता जी हमें कभी कभी कहते थे कि अभी तो नाव समुद्र में, ना जाने क्या होए, तो मैं बोलती थी माता जी आप अपने लिए ऐसा क्यों कहते हो, आप तो गुरु की माँ, बहू, पत्नी, कितनी कितनी उपाधियाँ आपके साथ लगी। बोलते नहीं रानी, कोई पता नहीं, कहते होते थे बुद्ध फिट दिया ते दूध फिट दिया देर नहीं लगती। तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पलें दे के खुद के लिए भी माता जी हमेशा अपने लिए ये मांगते थे। रानी जी, राज माता जी की कोई शिक्षा जो आज भी आपको याद हो? राजमाता जी से जुड़ी तो अनेक शिक्षाएं हैं जी, जो मुझे अभी तक भी याद हैं। उसमें से मैं एक शिक्षा जरूर आपके सामने रखूंगी। एक बार चूरू में समागम था, तो जैसे ही समागम खत्म हुआ तो उसके बाद मैं और माता जी हम रूम में आए, तो ऐसे माता जी को क्या ध्यान आया तो मेरे से पूछने लगे कि तेरी पोती हुई है तो तू की देता है उन्हों। अच्छा। तो मैंने बोला माता जी, मैंने डायमंड के इयररिंग्स पहने हुए थे, तो मैंने बोला माता जी मैंने तो सोचा था कि अगर पोता होगा तो मैं ये डायमंड के इयररिंग्स उसको दे दूंगी। अच्छा। तो फिर कहते फिर, मैंने कहा फिर तो लड़की हो गई, तो कहते फिर, मैंने कहा फिर मैंने नहीं दिए। तो बोलते क्यों नहीं दिए, देने हैं उसको, तो जब ये समागम खत्म होगा घर जाएगी, जाते सार पहले तूने वो ये देने, कोई फर्क नहीं रखना लड़के लड़की में।
तो मैंने बोला ठीक है, जैसे घर में आई, आते ही मैंने पहला काम ही यही किया, उसको उतार के दिए। तो मैंने फिर सारी बात भी बताई कि ऐसे माता जी ने बोला। तो ये कितनी महान शिक्षा माता जी ने दी कि लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं रखना। जी हाँ जी, राज माता जी के तो महान कल्याणकारी जीवन के आगे सिर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। शान है मिशन दी राजमा रबी रूपे दा, रबी रूपे दा। नूशन शाते रानी गुरबचन दी, नूशन शाते रानी गुरबचन दी। गुरु दर के पाई उच्च था रबी रबी रूपे दा जी, रबी रूपे दा। देशा ते विदेशा ताई नाले गुरबचन दे, देशा ते विदेशा ताई नाले गुरबचन दे। सुख वंडे पग तानू तन मन तन दे, सुख वंडे पग तानू तन मन तन दे। तन मन तन दे लखा करे ने स्वर्ग बनाए ने, लखा करे ने स्वर्ग बनाए ने। खूब ने लुटाया रहमता रबी रूपे दा, रबी रूपे दा। रानी जी, आपने गुरु दर पर सेवाएं निभाई और भक्ति से भरा एक लंबा सफर किया। आपके लिए भक्ति इबादत क्या है? मैंने एक बार ये सवाल किया था राजमाता जी से। अच्छा। मैंने बोला माता जी, हमारे ग्रंथों में, वेदों में, हमारी इवन संपूर्ण अवतार वाणी, तो उसमें भक्ति का बहुत जिक्र आता है, तो भक्ति कहते किसे है? अच्छा। तो पहले तो माता जी एक मिनट चुप रहे, फिर मेरे को बोलते हैं, मैं तेरे को एक ही लाइन में भक्ति का अर्थ समझाती हूँ। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते हैं भक्ति का अर्थ है गुरु का वचन जो भी आए उसको एज इट इज मान लेना, भक्ति है। क्या बात है। क्योंकि उसमें हमारा सामाजिक जीवन, स्पिरिचुअल जीवन और जो भी है सारा कुछ ही भक्ति में आ जाता है। अगर हम गुरु का वचन मान ले तो समझो तुम्हारी भक्ति हो रही है। सच में, निसंदेह। कुसुम जी, मैं आखिर में ये भी जरूर कहूंगी कि आज जो वक्त के पैगंबर हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, तो आज उनके जो वचन आ रहे हैं तो इतने कल्याणकारी वचन हैं कि हम उनके वचनों पे एज इट इज चल पाए। निसंदेह ऐसा ही होगा। और निरंकार सदगुरु कृपा करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इसी तरह से गुरमत के तराने गाती रहें, सदगुरु को रिझाती रहें। आप अपना कीमती समय निकाल कर भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आए और हमसे इतनी अनमोल बातें साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, धनंकार जी। धनंकार जी। भक्ति संगी